बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों अस्सलाम वालेकुम। दो दिन पहले हिंदुस्तान के पुलवामा में एक धमाका हुआ है। हम सोशल मीडिया के जरिए और टेलीविजन के जरिए इंडिया की धमकियां सुनते आ रहे हैं। हम पख्तून अभी तक खामोश है, अपनी पाक आर्मी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब हमें कॉल करेंगे। हम पख्तून पाक आर्मी से पहले इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये धमाका मोदी सरकार ने खुद किया है इलेक्शन के लिए। इंडिया की मीडिया चीखती चिल्लाती रहती है कि ये धमाका पाकिस्तानियों ने किया है, बिना सबूत के और बिना इन्वेस्टिगेशन के ये सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा लेते हैं। हम इंडिया और मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, खुदा की कसम अभी हम पख्तून जिंदा है। अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से भी देखा तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे और इतने टुकड़े करेंगे कि गिनते गिनते मोदी भी थक जाएगा। और मोदी, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, एक बार हमें पाक आर्मी इशारा दे और काल दे, उसके बाद हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी सात नस्लें याद रखेंगी। वस्सलाम।